बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मारो मारो कहाँ लेके क्या मामला है? थाना मोहम्मदपुर खाला बाराबंकी में अपने यहाँ पड़ता है। वहाँ एक गांव रिछला है। रिछला में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अपनी पुश्तैनी आबादी की भूमि में लगा रखे थे। गांव के ये राजेश लोध वगैरह हैं, जो ये संज्ञान में आया है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण में उनकी पूरी गुंडई क्षेत्र में पल रही है। उन लोगों ने जाति के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया है, उनको उनकी प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। और जब ये अनुसूचित जात के गया प्रसाद भंते वगैरह और प्रदीप गौतम वगैरह इन लोगों ने जब उसका विरोध किया, तो उन लोगों ने घर में घुस करके ज़बरदस्त तरीके से पीटा। दर्जनों लोग उसमें चुटहिल हुए। उन दर्जनों लोगों में महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, एक गर्भवती महिला भी है। लेकिन पुलिस का रवैया वहाँ का ये रहा कि जब लोग शिकायत करने गए तो केवल 5 लोगों की डॉक्टरी कराया। राम नरेश गौतम है पुलिस, उसको पुलिस ने जबरदस्त तरीके से बेल्टों से पीटा है। न्याय देने के बजाय आज की सरकार में गरीबों को न्याय देने के बजाय जो रक्षक बने हैं वही लोग भक्षक बन करके उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी सरकार लाख दबे कर रही है। ये तो उनकी वोट की राजनीति है और वोट के लिए वो शेड्यूल कास्ट बॉयकॉट को अपने साथ मानते हैं। अगर वो साथ मान रहे होते तो निश्चित रूप से इन गरीबों के साथ में न्याय हुआ होता। और जो सरकार में बैठे प्रतिनिधि हैं यहाँ जिले के हमारे, वो लोग जरूर उनको न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी से, कप्तान साहब से और वहाँ के स्थानीय पुलिस से जरूर उनसे कहते कि उनको न्याय दो, वरना हम लोग तुमको यहाँ चैन से बैठने नहीं। ये नेताओं को कहना चाहिए था सत्ता में बैठे लोगों को, लेकिन चूंकि वो जातवादी घोर मानसिकता से ग्रसित हैं, उनको ये लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इसलिए इनका उत्पीड़न करना है, इनको चैन से नहीं बैठने देना है। ऐसी गंदी सोच रखने वाले लोग कतई जो है हम लोगों को न्याय देने के लिए हमेशा रोकने का प्रयास किया करते हैं। इसलिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से मिलकर के अपनी बात रखने का काम।